नमस्कार अम्रियजनो, आप देख रहे हैं स्टडी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन बार बार बच्चों को परेशान कर रहा है। मुझे लगा इस पे एक बार एक छोटा सा वीडियो देना चाहिए और बड़ा ही क्लियर वीडियो देना चाहिए कि आप बार बार टेंशनाइज मत हो। शायद आपके रिश्तेदार आपको परेशान कर रहे हैं, शायद आपके पड़ोसी ताने मार रहे हैं, शायद घर में कोई आपको ताने मार रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है जो ताने मार रहे हैं, आप उन्हें शेयर कर देना। बच्चों की इंक्वायरीज आ रही है कि सर हमारा एडमिशन डीएवी में हुआ है, हमारा एडमिशन एमएमबी में हुआ है, एएमपीजी में हुआ है, वीसीडब्ल्यू वीकेएम आरजीएससी में हुआ है, मींस बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेजेस में हुए हैं, एफएमसी में नहीं हुआ है, तो क्या हमारी डिग्री जो है वो बीएचयू एफएमसी के बराबर नहीं मानी जाएगी, या हमारी डिग्री क्या ऐसे ही किसी साइबर वाले की दुकान से प्रिंट करके दे दिया जाएगा, या एफएमसी वालों को बहुत बड़े जॉब ऑफर मिल जाएंगे या एफिलेटेड को नहीं मिलेगा। ये तमाम बातें जो हैं वो मैंने अपने इनबॉक्स मैसेजेस में देखा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखा, कभी कभी कॉल भी मुझे मिले इस तरीके के। तो अभी मैं डाउट क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। आप बीएचयू के किसी भी एफिलेटेड इंटीग्रेटेड या पार्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हो, जैसे एमएमबी इंटीग्रेटेड कॉलेज है, आरजीएससी पार्ट है बीएचयू का, बाकी वीसीडब्ल्यू वीकेएम डीएवी एएमपीजी ये सब क्या है, एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, और बीएचयू के एफएमसी, इन सभी की डिग्रीज एक जैसी होती है। कोई भी प्रिंटिंग प्रेस मशीन दूसरी नहीं होती है, कोई दूसरी इंक नहीं होती है, कोई दूसरी कॉपी नहीं होती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपके डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्लेस और डेट और ये सभी चीजें होती हैं, ये चीफ गेस्ट तक एक ही होता है। कहने का मतलब यह है कि सभी को पूरे डिग्री कंप्लीट करने के बाद 3 से 4 साल 5 साल जो भी आपकी डिग्री के टेन्योर है, जो भी ड्यूरेशन है, वो कंप्लीट करने के बाद ये डिग्री आपको बीएचयू के ही स्वतंत्रता भवन कन्वोकेशन के दिन मिलता है। कन्वोकेशन का जो दिन होता है, यानी जो हमारा दीक्षांत समारोह होता है, हर दिसंबर माह में जो है वो सेलिब्रेट होता है। हर साल दिसंबर के महीने में फर्स्ट वीक में ही 10th of December को वो सेलिब्रेट होता है। तो वो उस दिन, चाहे आप एमएमबी से हो, चाहे आप एएमपीजी से हो, वीसीडब्ल्यू वीकेएम कहीं से भी हो, वो आपको यहीं डिस्ट्रीब्यूट होना है। आप यहीं पे आओगे, वो डीजे वाला जो डांस होता है, जब एफएमसी के बच्चे डांस करेंगे, आप भी एकदम बढ़िया ताबड़तोड़ डांस करना। जितने वो लोग सेल्फी लेते हैं, जितना वो सेलिब्रेट करते हैं, जितना वो एंजॉय करते हैं, ये सब कुछ आप करोगे। आपके डिग्री की वैल्यू, चाहे आप एफएमसी का बच्चा जाके अंबानी के किसी इंटरप्राइजेस, किसी प्राइवेट इंटरनेशनल कंपनीज में जाके दिखाएगा, चाहे आप अपनी डिग्री दिखाओगे, बराबर मानी जाएगी। आप यूपीएससी का फॉर्म चाहे एफिलेटेड वाला डाले, चाहे एफएमसी वाला डाले, सभी की डिग्री बराबर और पूरी वैलिड मानी जाएगी। तो ये अब बार बार इंक्वायरीज नहीं आनी चाहिए कि सर हम एफिलेटेड में पढ़ रहे हैं तो क्या हमारा एक क्वेश्चन है मेरा, मेरे से अगर कोई पूछता है कि सर सपोज आपका एडमिशन एफिलेटेड में होता तो क्या आप लेते, तो मैं एडमिशन लेने की जगह पे ये बात, ये पॉइंट ध्यान रखता कि मुझे क्यों एफिलेटेड में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो मेरे पास बस एक ही आंसर है ना लेने का, एक ही कारण है, पता है क्या, वो है पैसा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एफिलेटेड में बस इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पैसा मेरा ज्यादा लग जाएगा, बाकी डिग्री के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिग्री मेरी चाहे बीएचयू से मिली, चाहे एफिलेटेड मिली, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो बस पैसे की थोड़ी सी कहीं ना कहीं अगर आप वेटेज को समझते हो, वैल्यू को, तो वहां पे एक प्रॉब्लम आप माइंड में फेस कर सकते हो कि हाँ पैसे वहां ज्यादा लग सकते हैं, बाकी डिग्री सब बराबर है। सभी जगहों पे वेल क्वालिफाइड टीचर होते हैं, सभी जगहों पे डिपार्टमेंट फैकल्टी ठीक ठाक रन करती है, इवन एफिलेटेड की भी जो आजकल नेक ग्रेडिंग है अच्छी है, इंप्रूव है, तो टेंशन मत लेना। अभी मुझे बहुत सारे एफिलेटेड के बच्चों के मैसेज मिले कि सर हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ठीक ठाक हमारी क्लासेस चल रही है, हमारे प्रोफेसर बहुत कोऑपरेटिव, तो ये चीजें पता है। एफिलेटेड कॉलेजेस में कॉलेज लाइफ का एक माहौल है, कॉलेज लाइफ का मतलब वहां पे ना स्कूलिंग टाइप का है, उसे हम लोग स्कूल टाइप बोल सकते हैं, मतलब कि जहां पे बच्चा प्रोफेसर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है और आप उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो, तो ये वहां पे एक माहौल है। एफएमसी में इतना भीड़ है ना कि ये माहौल यूजी लेवल पे नहीं दिखता है, पीजी लेवल पे थोड़ा आपका विचार विमर्श प्रोफेसर डायरेक्टली हो जाएगा, यूजी लेवल पे जनरली नहीं हो पाता है। तो एफिलेटेड के भी पढ़ने बहुत फायदे हैं। एफएमसी थोड़ा सा अपने आप में डिफरेंट यहां पे भी हो जाता है फैसिलिटीज को लेकर, जैसे अब आपके यहाँ हो सकता है कि वो फैसिलिटीज आपके यहाँ भी है, जैसे आपका भी मेडिकल हो सकता है लेकिन छोटे लेवल पे होगा, यहाँ मेडिकल है ना 50,000 फ्री में अपना इलाज करा लो, यहाँ पे सुंदरलाल भी है वो रेफर कर देते हैं, तो आप एक यहाँ पे होता, दूसरा स्विमिंग पूल है यहाँ पे, जिम है यहाँ पे, स्पोर्ट्स ग्राउंड बहुत सारे हैं। फायदे हैं एफएमसी के, लेकिन डिग्री को लेकर जो बार बार आप हिचक जा रहे हो, डिग्री को लेकर जो बार बार आपका डाउट क्लियर हो रहा है, ये मैं आप सभी को कंफर्म करना चाहूंगा कि डिग्री सबकी बराबर है, सभी का। इवन आपका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का जो प्रॉब्लम आती है, डॉक्यूमेंटेशन वाला, लाइक ग्रेड कार्ड बिगड़ गया, नाम गलत हो गया,
आपका जब सेमेस्टर एग्जाम अभी आप फ्यूचर में दोगे तो वहां पे आपका ग्रेडिंग के कुछ मार्क्स गलत प्रिंट हो गए, इन सभी का जहां पे हम वीडियो बनाते हैं सेंट्रल ऑफिस पीछे कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, वहां पे सबकी विंडो बनी रहती है कि यहां पे एएमपीजी की लड़कियां आएंगी, यहां वीसीडब्ल्यू वीकेएम की आएंगी, सबका विंडो बना हुआ है पूरे रेस्पेक्ट के साथ। पहले हम लोग जब फीस जमा करते थे, पहले ऑफलाइन जमा होता था कोविड के पहले, तो हम लोग के पास यहाँ विंडो भी होता था कि एफिलिएट के बच्चे यहाँ आके पेमेंट जमा करेंगे, ऐसे होता था। लेकिन अभी तो अब ऑनलाइन है तो अपना ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आप अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है, पढ़ो एकदम प्राउड से, स्टेटस लगाओ, कोई हाइड वाइड करने की जरूरत नहीं है। जहां एडमिशन हो गया वो आपका है, वो आपके हिस्से में मिला, आपके मेहनत से मिला है, तो प्राउड करो, उसमें शर्माओ मत, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। आपको आपके मेहनत से मिला है उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो मुस्कुराते रहे, बहुत से शुभकामनाएं। बार बार आप लोग क्वेश्चन पिन कर रहे थे तो मुझे लगा कि एक बार इस पे बहुत ओपन टॉक होना चाहिए, ठीक है, और कोई डाउट होगा तो मेरे साथ डिस्कस कर लेना। प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो मैंने वहां पे डाल दिया है, प्रीवियस ईयर पेपर ध्यान देना कि आप एग्जाम देने भी बीएचयू में आते हो, चाहे कहीं के भी अफिलिएटेड कॉलेज बच्चे हो, एग्जाम देने यहीं आते हो, समझ रहे हो। तो आप जैसे आरजीएस के बच्चा शायद नहीं आता, उनका एग्जाम वही होता है, बहुत दूर पड़ जाता है, बाकी फिर बच्चे यहीं आते हैं, जैसे एमएमबी में आती हैं लड़कियां जो है। आपके सैंपल पेपर जो होते हैं, ओरिजिनल सैंपल पेपर मैंने अपलोड किया ऐप पे, आप जाके डाउनलोड करें, उसी के हिसाब से पढ़ाई करें, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। और दूसरी चीज, सेमेस्टर्स के पेपर भी सेम होते हैं, चाहे एफएमसी बच्चा इकोनॉमिक्स पेपर दे रहा है, चाहे एमएमबी की लड़की बैठ के दे रही है, चाहे एएमपीजी की बच्ची बैठ के दे रही है, सब बराबर पेपर होता है, सबके टाइम ड्यूरेशन सेम होते हैं, कॉपी सेम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो होपफुली अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो पता है आज हर ग्रुप में भेज देना, क्योंकि जनरली आपके ग्रुप बन गए ना, पूरे एफिलिएटेड की बच्चियां ये वीडियो देखती नजर आना चाहिए, और उसके क्लिप भी मुझे भेजना मेरे वीडियो देखते हुए, अगर आजू बाजू में कोई देख रहा है तो। मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, जल्द मुलाकात होगी, बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं सर आपसे मिलना है, बहुत जल्द मुलाकात होगी, ठीक है, हर हर महादेव, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, मुस्कुराते रहो।